भागे हैं मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी दिन ये बोल नहीं सकती कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी कल हो जाएगी यार मुझसे मुझे लगा मेरे पैसे चले गए तो मैं रोई थी ये सोच के कि इतना लॉस हो गया मैंने कहा ये लॉस कैसे रिकवर करेंगे हाउ इज इज रोने लगी आई ऑल्सो टेकन अ कार जिससे मुझे मुझे बड़ा पसंद आता है वो गाड़ी चलाना गोट एन वेरी कम्फर्टेबल एन एंड आई फील लाइक आई नो दिस कार

मतलब जब जोक्स भी बनते हैं ना तो ऐसे वाले बनते हैं और यहाँ बहन नहीं मतलब मेरी नहीं आप सब बहन रोडिंग और इतने भी एडवेंचर वेडवेंचर टाइप के होते हैं सब आपने जो है शुरू किए शुरू किए शुरू किए बट डर वर नहीं लगा कि अच्छा खासा खूबसूरत चेहरा है कहीं इधर उधर लग गई तो हाँ डर तो लगता है बट अब उसकी वजह से मैं चीजें नहीं करूँ लाइफ में वो नहीं हो सकता ना

कोई एक इंसान गाड़ी में रखो आप कि के इन केस अटक गई कहीं सो आई कैन स्वॉप वो बैठ जाएगा और निकाल देगा गाड़ी और समथिंग सो द द मोर मोर यू यू से दिस दिस टू इंस्ट्रक्टर ही पुट इन डिफिकल्ट स्पॉट्स फिर उसने कहा गाड़ी तो तू तो अकेले ही चलाएगी अच्छा अटकी तो अकेले ही अटकना वॉकी टॉकी है वॉकी टॉकी पे हेल्प मांग लेना मैंने कहा ओके बट मैंने सारे ऑब्स्टिकल्स किए एंड आई डेंट थिंक मैं कर पाऊंगी आई थॉट नहीं समझ आएगा मुझे बट uh, कुछ चीजें ना करके ही समझ आती है लाइक दीपल देर हुन ड्राइविंग फॉर थर्टी थर्टी ईयर्स एंड वो सोच के ऑब्स्टिकल्स कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली उनको चीज़ें आती हैं तो वो नहीं कर पा रहे थे मीन्स देवर गेटिंग स्टक इन प्लेसिज मैं बहुत आसानी से निकल रही थी एंड यू एक्सप्लेन ऑल्सो इसे क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हो तुम अपने दिमाग से चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हो मिड कोर्स विच इज़ एक्चुअली वॉट यू शुड बी डूइंग इन ऑफ रोडिंग बिकॉज नहीं आपको समझ आएगा कि क्या करना है कार योर इंजिन एंड द इंस्ट्रक्टर इन गो फॉर इट सो आई वेंट इंस्ट्रक्टर को आपने कहा किसी को बैठा दो उसने मना कर दिया कि नहीं 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 होगा तो लगा नहीं की अब मैं नसरत भागी हूँ और तू ऐसे बोल रहा है मुझसे <laughs> <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं लगा इनफैक्ट

तो मैंने आते ही देख लिया था ये कॉर्नर की इंटरव्यू यहीं पे करें। बाकी के लोग देख रहे हैं हम क्यों नहीं कर है इस कॉर्नर को सामने बैठ के देख रहे हो आप टाइम <laughs> <laughs> तो हाँ, तो मिलता आपको घर मतलब कितना रह पाती है um, बहुत नहीं बहुत इतना वक्त नहीं मिलता है बट इनफैक्ट मैंने अभी कुछ ब्रेक लिया है लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स और इस साल मेरे को तीन पिक्चरें रिलीज़ करनी है तो उनका पोस्ट उनका डब उनका ये 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 तो मैंने थोड़ा अपने आप को फ्री रखा है विच इज़ वाई गेट टाइम टू सिट ऑन दिस सोफ़ा एंड वॉच द सनसेट विद अ नाइस कॉफ़ी बिस्किट्स में हाँ, हाँ, तो चालीस लोगों ने खटखट कर, आप बात करो कर, तो इतने, इतने से बैठ के बात नहीं करे क्यूँकी मेरे सोफे पे नहीं बैठे होते लोग बोल सकती क्यूँकी आप तो अपने घर पे हो हमें जाना है आराम से करो आराम से करो सामने बैठे लोगों को टेंशन होती है अच्छा ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि ऐसा करती हूँ ड्राइविंग आप कब से कर रहे हो आई थिंक आप ड्राइविंग शायद अभी जस्ट लास्ट ईयर मतलब मैंने नवंबर में आई थिंक सीखी होगी गाड़ी अभी नवंबर में अभी जस्ट just... मतलब ए, एक साल भी नहीं एक साल भी नहीं हुआ है और आठ सात आठ महीने में ऑफरोडिंग हाँ। तो कहीं आपने पहले सीख ली होती तो फिर तो ट्रक ट्रक मैं निकला गड्डी लेके <laughs> नहीं तो <laughs> मैं सारी कोशिश कर चुकी होती ऑफ की अब तक बट इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड मैंने लेट सीखा mm -hmm. गाड़ी चलाना और आईव ऑल्सो टेकन अ कार जिससे मुझे मुझे बड़ा पसंद आता है वो गाड़ी चलाना आईव आई डो नो सम हाव गॉट इन वेरी कम्फर्टेबल एंड एंड आई फील लाइक आई नो दिस कार मतलब आई नो उसका राइट व्हील कहाँ है लेफ्ट व्हील कहाँ है मुझे पता है इतने में कट जाएगी इतने में नहीं कटेगी रिवर्स लेना पड़ेगा आई डोंट नो हाउ मुझे इस गाड़ी का जजमेंट बैठ गया है पता नहीं कैसे तो मुझे इसलिए मज़ा बहुत आता है ये गाड़ी चलाने में

ऑफिस में भी थी वो चलती है तो सिर्फ एक्टर को क्रेडिट नहीं दे सकते हो आप उसने नहीं बनाई है फिल्म उसने उसमें एक्ट की है सो वो फिल्म उसकी हिट नहीं कंसिडर की जाती वो पूरी टीम की होती है फ्रॉम द डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर टू को एक्टर्स टू एवरीबडी तो जब वो नहीं चलती है तो भी वो क्यूमिलेटिव होना चाहिए आई हैव ऑलवेज डन अ फिल्म लाइक दैट कि हार जीते तो साथ में हारे तो साथ में तो थॉट के कुमार जी अभिषेक एंड लवसर एंड एवरीबडी लॉस्ट मनी ऑन अ फिल्म इन विच आई वॉज विथ दैम एंड हम साथ थे मुझसे मुझे लगा मेरे पैसे चले गए हैं तो मैं रोई थी ये सोच की कि इतना लॉस हो गया मैंने कहा ये लॉस कैसे रिकवर करेंगे हाउ इज इज गा हैपन और मैं रोने लगी तो पैसे वैसे दिए आपने मैं पैसे <laughs> 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 पैसे मुझे उनको देने चाहिए थे <laughs> वही वही मतलब आपने रो के ही सेटल कर दिया हाँ मतलब भी, क्या ऑडियंस ने नहीं दिए टिकट के पैसे <laughs> मैं क्या करेगा कोई <laughs> एक और इंसिडेंट हुआ था जो मतलब हाँ। बड़ा वैसा था बट आफ्टर दैट यू अब दिल्ली में आपने फिल्म देखी

मैं जब भी स्क्रीन पे आती और जब भी कुछ गलत हो रहा होता या मैं इमोशनल होती तो पीछे से उनकी रनिंग कॉमेंट्री सारी हो जाती जो अच्छी नहीं थी कहीं से भी और मैं आगे बैठ के एंड वो ऑब्वियसली लाउड थे और मैं अपने अंकल आंटी के साथ बैठी थी सो दे इनफैक्ट टोल मी थ्राइज कि बेटा उठ के चल ले मतलब डोंट नीड टू सिट हियर एंड लिसन टू देम यू नो एंड वर नॉट वर

कि पूरी पिक्चर इसने जो भी बोला उन्होंने मैंने सब सुना है तो ऐसा क्यों मतलब आपको लगा मतलब नहीं कि छोड़ो मतलब चले जाना चाहिए मैंने कहा सुन के जाएंगे देख हुँ. के जाएंगे कि हम इतनी मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं um, लोगों तक पहुंचाने के लिए बोलने के लिए कुछ कोशिश तो हमने की थी कुछ नया बोले इट वॉज अ मैरिटल रेप जो उस वक्त के लिए बहुत ही ज़्यादा हेड ऑफ इट्स टाइम थी बट इफ द यूथ ऑफ योर कंट्री एंड योर नेशन एट दैट पॉइंट इज डूइंग दिस टू इट तो फिर ठीक है देन यू डिजर्व माइंडलेस फिल्म्स तो फिर आप आओ चार सीन पे हंसो और घर जाओ अच्छा एक जो वो फेज था जब एक शुरू में एलएसडी यू गॉड देन प्यार का पंचनामा देन आकाशवाणी हैपन एक फेज आया आपकी लाइफ में जब चीजें ठीक नहीं थी हाउ यू डेल्ट विद दैट सबसे ज्यादा उस वक्त मोटिवेशन या कहें कि uh, हिम्मत किसने दी कैसे मिली आई थिंक हम एज ए टीम बहुत यूनाइटेड थे जो हमारा प्यार का पंचनामा का टीम था फ्रॉम आर डी टू आर एडिटर टू आर म्यूज़िक पर्सन हितेश सर हावर सर अकीस सर राहुल लव सर कार्तिक मी सनी सनी भी आकाशवाणी में था हम सब एज अ टीम ना जब हम आए थे हमें पता था कि हमें ही करना है जो करना है और कोई करेगा नहीं हमारे लिए तो एक दूसरे के लिए करते जाएंगे साथ देते जाएंगे जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँच के खुश रहेंगे सो वैन वैन फिल्म डिन डू वेल वी एक्चुअली वर स्टैंडिंग बाई अदर मीन्स हम uh, रात को निकलते तो सबको एक एक करके पिकअप करते ड्राइव करते एक दूसरे से बातें करते फिल्म के बारे में जितने किस्से थे वो सब हम वी वुड रीलिवेट एंड देन चेरिश एट एंड टॉक अबाउट इट हमने बहुत वक्त आकाशवाणी के फ्लॉप होने के बाद साथ बिताया है एक्चुअली बहुत वक्त हमने तो गोवा हुआ ट्रिप भी मार ली थी कि चलो घूम के आते हैं सब थोड़ा माइंड चेंज हो सही होता ना जैसे हमें कुछ मतलब

लाइक like, uh, वैसी दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे आपको शुरू में जो आप, आपका करियर एकदम से नहीं चला फिल्म अच्छी चली देन एक स्टॉपेज आया फिर चली देन एक स्टॉपेज आया तो वो आपको खुद कब लगा कि अब हो गया आई डोंट थिंक वो मुझे uh, आज तक लगा है एंड आई डोंट थिंक वो मुझे लगेगा बिकॉज द वन थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन यू कम इन टू दिस इंडस्ट्री इज आप आज कुछ हो कल आप कुछ भी नहीं होंगे ये होने ही वाला है अगर आप इस इस इवेंचुअलिटी को एक्सेप्ट करके ओके okay हो सकते हो तो फिर आप सही रह सकते हो मेंटली बट अगर उस सच से आप परेशान होते रहोगे तो जब वो एक्चुअली हो रहा होगा इट विल ब्रेक यू तो ये चीज़ मैंने बहुत सालों पहले ओके okay कर ली थी कि आई एम देयर टुडे टुमारो ऑल ऑफ दिस पीपल माइट नॉट इवन रिकग्नाइज मी or might not even somebody else will be the popular one somebody else is going to happen I, I get replaced from my own franchise films um, i get cast in films that were for somebody else's first and now they've come to me so this is a natural progression in this industry which has happened for years um, for an actress especially very early on they start you know getting replaced and, and you like नेम दैम बट देर आर सो मनी एक्ट्रेसेज इनका करियर्स मैं फॉलो करती हूँ और मैं सोचती हूँ क्या हुआ लाइक आई टैट टू अंडरस्टैंड वॉट हैपेंड वाई डिट बी सडनली स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैम वाई डिट बी सडनली स्टॉप कास्टिंग दैम वाई सडनली आर दे नॉट दोज बिग एक्ट्रेस दैट दे वर एंड वाई आर दे वाई इज इट नॉट देर तो इसका कोई जवाब नहीं है जस्ट बिन हैपनिंग तो वो होगा um, क्योंकि वो होगा मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी दिन ये बोल नहीं सकती कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी okay. कल हो जाएगी यार no logic. लेकिन लगता है कई कई बार के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी ऐसे ऐसी फिल्में भी हैं जो कही ना कहीं नहीं हम तो सबकी सब जो है ना मतलब मैंने तो तब भी की बस मेरी रीजंस वर नॉट टू सर्वाइव एट दैट पॉइंट इट वाज स्ट्रगल 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 तो उस वक्त फिल्म भी मैंने सर्वाइवल के लिए नहीं की थी फिल्म मैंने की थी क्योंकि उस वक्त सेटअप सही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट सही लग रहा है ये करके देखते हैं कुछ अच्छा होगा मतलब दैट टाइम आल्सो इट वाज अ रिस्क इट वाज नॉट टेकन फॉर कि चलो एटलीस्ट कुछ महीने सर्वाइव कर जाऊंगी वो मेरा कभी नहीं रहा है आई ऑलवेज आई थिंक बिन अ पर्सन हु सेड ठीक है कोई बात नहीं वील डू वन फिल्म अ ईयर बट वो कुछ तो होना चाहिए उसमें मजा आना चाहिए

बहुत बड़ी हिट होना चाहिए था इट वॉज बट ऐसा नहीं था कि तो आपको लगता है कि कहीं कही ना कहीं मिस हो जाती है महीनों बाद देखती हूँ कितनी अच्छी फिल्म थी मैंने इतने टाइम तक तो क्यों नहीं देखी सो इट एक फिल्म का ना चलना या ना चलना किसी के भी हाथ में नहीं होता किसी के भी हाथ में नहीं होता

आ जाती है और लोग चले जाते हैं या लोग फ़्री होते हैं या कुछ भी होता है मतलब दर इज नो लॉजिक टू इट बट हाँ यू आई फील इट आई फील इट दर आई सेड आई सेड यार ये फिल्म को वर्क करना चाहिए था भले मेरी ही हो आई इसको वर्क करना चाहिए था ये मिस होगी हाँ आ, पहले नहीं पढ़ती थी आ, फिर पढ़ने लगी फिर वापस नहीं पढ़ती थी आ, अब मैं कुछ कुछ रिव्यूज़ पढ़ती हूँ बाई कुछ आई I मीन mean, जितना वक्त मिलता है और जितने नोटिफिकेशन आते हैं और उसमें जितना टाइम होता है जो पूरी पूरे आर्टिकल से मुश्किल है बट मतलब वो हेडलाइन और बटलाइनड हाईलाइटेड मेनली नॉट जस्ट मेरे बारे में इन फैक्ट इफ आई टू रीड लाइक क्रिटिक का रिव्यू आई प्रॉब्लम रीड वॉट देव सेट अबाउट द फिल्म फर्स्ट देन मी बिकॉज दैट मैटर्स टू मी मोर मैंने कहा मेरा तो ठीक है अभी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे मैंने का, फिल्म कैसी लगी ये तो समझू हमने क्या बनाया तो वो भी खराब रिव्यू होता है गुस्सा आता है यार क्या मतलब तो बताती <laughs> हूं इसको ये मिलने दो <laughs> नहीं गुस्सा नहीं आता कई रिव्यूज़ से मुझे ऐसा लगता मैंने कहा ये मुझे <laughs> बोल रही है <हुँ> मुझे <laughs> <laughs> नहीं मैं सिर्फ पढ़ के मुझे ऐसा लगता है ये कैसी रिव्यू वाली बात थी मतलब hmm. ये कहां कैसे अटक गया किसी के माइंड uh, में बट यार देयर आर थिंग्स आई कैन रीड अबाउट रिव्यूज एंड ट्राई एंड से के ओके मे बी आई हैव नॉट रियलाइज दिस मे बी नेक्स्ट टाइम आई कीप दिस इन माइंड बट दिन दर थिंग्स वर एम लाइक दिस आई कॉन्ट बिन थिंक अबाउट गाइज अगर मैं अभी ये सोचने लग गई तो पिक्चर नहीं होगी मतलब शूटिंग नहीं होगी दर आर सर्टन लीप ऑफ फेथ्स एंड सर्टन थिंग्स जो आपको लेने पड़ते हैं बिकॉज इट्स इवेंचुअली फिक्शनल स्टोरी मतलब फिल्म है वो इवेंचुअल कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको उसके हिसाब से ही टेक्निकली काम करना पड़ता है बट uh, गुस्सा नहीं आता

जहाँ दे इज नोट आई आई दे लाइक सम पीपल कम सिंग चार साल है जो करना है करो चार साल में नहीं हुआ तो ये कर लो वो कभी नहीं दिया उन्होंने इट वॉज ऑलवेज जब तक करना है तब तक करो जब तक तुम्हारा मन करे जिस दिन तुम उठ के बोलोगी अब मुझे नहीं करना है तब तक प्लीज चिल दे सपोर्टेड यू जब आपने कहा कि मुझे तो एक्टिंग करनी नहीं एक्चुअली पता है बिगनिंग में उनको समझ नहीं आता था कि बिकॉज एक्टिंग एज अ करियर तो करियर था ही नहीं ना दे वॉज नो लॉजिक नोबड़ी कु मेक अ करियर आउट ऑफ एक्टिंग तो देर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या फ्यूचर है ठीक yeah. है आई मीन दो गारंटी आप एक जॉब करते हो आप इतने साल काम करते हो तो आप एक ऑब्वियसली एक प्रमोशन लेते हो और प्रमोशन लेते हो या कंपनीज शिफ्ट करते हो yeah. यहाँ ऐसा क्या है हाउ डू यू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन दिस फील्ड तो वो उनको समझ नहीं आता था प्लस उनको नॉलेज नहीं थी दे नो एनी थिंग एक फिल्म में कास्ट कैसे हो मतलब क्या क्राइटेरिया है जिससे आपको फिल्म मिले या आप लोगों से मिलो तो क्योंकि दुनिया इतनी एलियन थी और इतनी अलग थी कि उनको डर उस बात का था कि करेगी कैसे और क्या करेगी मतलब दोनों नहीं पता था ना कि क्या करेगी और कैसे करेगी सो उसमें देवर अ लिटिल दिस थिंग कि यू नो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट आर एक्सपर्टीज इन अ डिफरेंट माई फादर्स लाइक ओन फैक्ट्री यानी केमिकल इंजीनियर सो इज लाइक मुझे वो समझ में आता है मुझे वो बिजनेस समझ आता है तो वो मैं तेरे को सिखा सकता हूँ हेल्प कर सकता हूँ

या मैं फाइटर प्लेन चलाऊंगी तो क्या नहीं 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 होता राइट तो उनके लिए वो था बट वो चेंज हुआ लाइक आई हैव फैमिली नाउ हु कम एंड वॉच माय अवार्ड शोज एंड दे वांट टू कम दे कॉल मीन से टिकट दो हम हुँ. देखने आएंगे फिर वीडियोस फैमिली ग्रुप में सर्कुलेट होते हैं जब मैं आती हूँ सो नाउ इट्स अ डिफरेंट लाइफ एंड एक्सेप्टेंस भी टिकट मांगते हैं है। <laughs> नहीं <ने, laughs> वो खुद जाते हैं उनको पता है <laughs> मेरा जवाब क्या होगा अच्छा वो फ, आ, फैमिलीज में लड़कियां ऑफरोडिंग करती नहीं <laughs> तो वो भी आप पहली मेरी ने तो नहीं किया <laughs> किसी ने तो, तो आपने पहला काम ये भी कर दिया ये भी कर दिया अब आपकी ड्रीम कार क्या है ये बताइए अभी तो जो, जो आपने ले ली हां पता नहीं आई डोंट नो हमको एसयूवीज बहुत पसंद है सो आई थिंक इट शुड बी इन एन एसयूवी सेगमेंट ओनली बट नाउ दैट आई एम ऑफरोडिंग आई एम लर्निंग मोर अबाउट कार्स एंड पार्ट एंड अपग्रीडिंग एंड क्या इनहैंसमेंट्स लगानी चाहिए करनी चाहिए तो थोड़ा और सीख लूँ थोड़ा और समझ लूँ फिर टेस्ट ड्राइव करूंगी कुछ गाड़ियाँ और फिर डिसाइड करूँगी मेरा वाइब क्या है लाइक नाव वॉट आर माई फीलिंग में सिर्फ ज़्यादा नहीं होगा बंपर वम्पर ही ठुकता है कुछ होता नहीं। और वो done, और done. क्या नाम है बाकी को मजा आता आपसे बात करके वो मुझे बहुत देर से इशारा कर रही है मैं ऐसे कौन कह रहा हूँ मैं देख नहीं रहा हूँ पूजा की तरफ मैंने देखा भी नहीं है जो आप वो भी पहली हीरोइन बन जाइए. जो जाइएंग करते हुए इंटरव्यू दे। चलो डन सुन लिया आप लोगों ने ठीक <laughs> है अगला इंटरव्यू पूजा. कही अब भी चलो बताती हूँ तुम्हें मैं अगले बार बुलाऊंगी ना आइडिया दे रहे हैं. थैंक यू सो मच थैंक यू